हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो देखिए गाइस, आज हमारे घर में सूख रही हैं गोभियाँ और ये बताएंगे हमारी मम्मी जी। मम्मी जी क्या कर रहे हो? ये गोभी सुखा रहे हैं, जब सीजन नहीं होता ना गर्मियों में तो इसको बॉइल करके बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, जैसे अब सर्दियाँ जा रही हैं तो जाती जाती सर्दियाँ हम खूब सारी मतलब 5-10 किलो गोभी ले लेंगे और ये हम ऐसे पिरो के माला बना के इस तरीके से टेरिस पे टांग देंगे और इसको बिल्कुल ड्राई होने देना है, बिल्कुल सुखा देनी है हमने और इसको हमने स्टोर कर देनी है। और ये आप सालों साल इसको यूज़ कर सकते हो, जब मौसम नहीं हो, आपका गोभी खाने का दिल हो, इसको हल्का सा बॉईल करें और मस्त सा तड़का मारिए और बना के खाइए जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है पर ये है कि स्वाद बहुत ही स्वाद, मतलब अचारी गोभी जैसे, मतलब ना कुछ अलग सा टेस्ट है ना मम्मी? हाँ, बहुत टेस्टी बनती है। और ये रिद्धि सिद्धि अपनी दादी का काम बढ़ा रही हैं, करवा नहीं रही हैं, बढ़ा रही हैं दोनों काम। हाँ, बिगाड़ ज़्यादा रही हैं। 3-4 बार मम्मी जी का धागा इन्होंने उलझा दिया था और ये मतलब इस तरीके से लंबा सा हार बन जाएगा, उस तरीके से आप गले में भी पहन सकते हो थोड़े दिनों तक गोभियों का हार। अगर किसी को आपने मान सम्मान देना है तो गोभियों का हार चढ़ाएं, उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी उसके लिए थोड़ी देर गोभी का हार पहनेंगे और उसके बाद बना के खा लेंगे तो ये मैं कल लेके आई थी बस 2 किलो गोभी, तो मम्मी जी को आ गया था लालच के और गोभी, तो मम्मी जी ने आज मंगवाई है 5 किलो गोभी। आपको भी खिलाएंगे गाइस। मम्मी जी के हाथ की गोभियां खाओगे ना, उंगलियां चाटते रह जाओगे उंगलियां। चलो जी, बनाओ हार गोभियों का। जब हार बन जाएगा तो मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको गाइस, किस तरीके से ये बन के तैयार होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। तो गाइस ये देख सकते हो मेरी हालत, सुबह का टाइम मेरा बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, नाश्ता खत्म होता है, नाश्ते के बाद बच्चों को रेडी करती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ, उसके बाद तुरंत टाइम हो जाता है लंच का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरी चढ़ गई है कढ़ाई और मुझे बिल्कुल भी अभी रेडी होने का टाइम नहीं मिला है और बाहर हमारे बन रहे हैं गोभी के हार, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। तो जी आज हमारा पूरा दिन बनने वाला है गोभी डे। सुबह हमने खाई थी गोभी की परौठी और अभी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, बंद गोभी विद मटर, तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। और जी ये है हमारा आज का लंच, तो मैं पत्ता गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ और बनाऊंगी इसके साथ रायता और खाएंगे रोटी के साथ गर्मा गर्म। तो इतनी देर में स्वामी जी भी आ जाएंगे, वो थोड़े से काम के लिए गए हुए हैं। ये देखिए गाइस, रिद्धि सिद्धि की दादी ने उनको पहनाया है गोभियों का ताज। वाह जी वाह, क्या बात है, रिद्धि कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके साथ तू व्हाइट कलर का गाउन या पिंक कलर का गाउन बना, तू तो प्रिंसेस लगेगी। ये बना दिया है इनकी दादी ने इनको प्रिंसेस। और ये देखिए ये छोटी प्रिंसेस, गोभी डे बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से गाइस ये हार बनके तैयार होंगे ये, और अब ये रिद्धि जाएगी इसको धूप में सुखाने और एकदम छोटी छोटी हो जाएंगी, मतलब एक मुट्ठी में एकदम श्रिंक हो जाएंगी, इसका पानी सूख जाएगा। पर इसको मम्मी लग जाते हैं 15-10 दिन। हाँ, 15-10 दिन लग जाते हैं इस गोभी को रेडी होने के लिए, और आप 15-10 दिन के बाद आप गोभी बना सकते हो। और रिद्धि लग रही है प्रिंसेस, गोभियों की रानी, रिद्धि रानी। दूसरी परी को भी दादी ने पहना दिया है ताज ये है हमारी परियां। परा परा ऊपर है, निकू हमारा निकू आया हुआ है, अभी उसको कह रही परा, अब ये जा रही है ऊपर गोभी सुखाने। बेटे सर पे लगा के बैठे रहे ना, गोभी भी सूख जाएगी, आपको भी धूप लग जाएगी। बाय। हेलो एवरीवन, तो जी आज का स्केड्यूल है बहुत ही ज्यादा हेक्टिक। अभी जस्ट घर में पहुंचा ही था कि एक कॉल आ गई कि जी मीटिंग कर लो जी आके, और मीटिंग भी कोई घर के आसपास नहीं, सीधा ही नोएडा, घर से 40 किलोमीटर दूर। मैंने कहा जी कल कर लेंगे, कह रहे नहीं नहीं जी नहीं, कल ना सर को निकलना है, मॉर्निंग में 6:30 बजे की फ्लाइट है मुंबई, तो सर अभी दिल्ली आ रखे हैं तो आप मीटिंग कर लो। अब जी मैं हालांकि बहुत बहुत आज थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और जल्दबाजी में मैं स्पेक्स कैरी करना भूल गया। अब स्पेक्स पहनने की 3-4 दिन से ऐसी हैबिट हो गई है कि अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं, ऐसा लग रहा है नींद आ रही हो। लेकिन जी मीटिंग में तो जाना बहुत ही जरूरी है, अब मतलब टाल नहीं सकते हैं। अब क्लाइंट के साथ भी ऐसा रिलेशन है कि उनको मना किया भी नहीं जाता, और फिर काम तो करना ही है ना। तो ये छोड़िए इन बातों को, दिल्ली है बहुत ही खूबसूरत, खास तौर पे रात को दिल्ली जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अगर दिल्ली दिखानी हो किसी को आपने, तो जी उसको नाइट में लेके आए, नाइट में तो दिल्ली का व्यू बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके,
ये देखिए जी, अब हम आपसे बातें करते करते पहुंच जाएंगे नोएडा, और आप देखिए पूरा नोएडा तक का रास्ता। जी फ्रेंड्स, मीटिंग होगी मेरी ख़त्म, और बज गए हैं रात के 10:15, और 9 बजे पहुंच गया था मीटिंग में मैं। हालांकि मैं निकल गया था 7 बजे घर से निकल गया था, और 9 बजे मीटिंग में पहुंच गया था। 2 घंटे लग गए थे पहुंचने में नोएडा, ट्रैफिक ज़्यादा ही मिल गया था कुछ आज, पता नहीं क्यों था ट्रैफिक, मुझे नहीं समझ में आई। आगे जाके देखा तो खाली था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो अब लग रही है बहुत जोरों के भूख। डिनर तो मैं घर पर करूँगा, अभी हल्का फुल्का खा लेता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि 2 घंटे फिर ड्राइव करके जाना है। तो जी मोमोज़ यहाँ पर आए हैं, मोमोज़ दिख रहे हैं मुझे ये यहाँ, तो जी कुछ छोटे मोटे मोमोज़ खा लेते हैं, और उसके बाद घर जाके डिनर करूँगा जी। तो बाकी बातें करता हूँ गाड़ी में बैठ के। तो फ्रेंड्स, मोमोज़ खा के कुछ राहत तो मिली है, अब फाइनल डिनर तो घर जाके होगा। ये तो मैंने बस हल्के से खा लिए थे, क्योंकि बस बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। ये मान के चलो कि 7 बजे का निकला हुआ हूँ, और अब टाइम देख लो 10:30 हो गए हैं, 12 बजे तक घर पहुँचूंगा। और घर पहुँच के एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि यही वीडियो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे डालनी भी है। अब 12 बजे पहुंच के अब देखूंगा, अगर मूड किया तो एडिटिंग करूंगा, ज़्यादा नहीं मेरे को थकान महसूस होगी, क्योंकि अभी मैं ड्राइव करूंगा तो मेरी आंखें बंद होने लगेंगी, क्योंकि अब स्पेक्स लगाने की आदत पड़ गई है। तो देखेंगे, नहीं तो सुबह से उठना पड़ेगा 5 बजे उठ के फिर ये वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में ना बहुत टाइम गेन होता है। ऐसा नहीं कि जी 5-10 मिनट में हो गए, 2-2 घंटे लग जाते हैं वीडियो एडिटिंग करने में। वीडियो एडिट करो, फिर थंबनेल बनाओ, फिर जो आप वीडियो डालते हो उसका SEO करो, फिर वीडियो को हम 3 प्लेटफॉर्म पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, तो सबका SEO करना पड़ता है। तो जी बहुत लगता है टाइम, और टाइम से मुझे याद आया, अभी लास्ट वीडियो में किसी ने कॉमेंट कर दिया था, क्या पूरा दिन फ्री रहते हो क्या? अब जी पूरा दिन कहाँ फ्री रहते हैं जी, हम लोग भी आप सबकी तरह ही हैं, काम धंधे करते हैं, मैं भी वर्किंग हूँ, डॉली जी भी हमारी वर्किंग ही मान लीजिए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप की बुकिंग्स पर जाना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी उनको देखना पड़ता है। और जी बस टाइम हमारे पास भी उतना ही है जितना आप लोगों के पास है, तो बस हम लोगों को बस किसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है, और टाइम में करनी पड़ती है कटौती, और कटौती कर करके आपके लिए व्लॉग बनाते हैं जी। तो ये मत कहा करो कि जी पूरा दिन खाली रहते हो, खाली नहीं है जी, हम बहुत बिजी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।